लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुलबर्गा से एमपी रह चुके मरहूम इकबाल अहमद सरगी साहब का जिक्र कर उन्हें खिराज अकीदत पेश की है। लोकसभा में बजट सेशन के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने हाल ही में देहांत हुए कुल 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जिक्र किया, जिसमें खासकर इकबाल अहमद सरगी साहब के बारे में बताते हुए कहा ये 13वीं और 14वीं लोकसभा के मेंबर थे। स्पीकर ओम बिरला ने सरगी साहब के बारे में मजीद बताते हुए कहा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के अलावा रेलवे कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और दीगर कई कमेटीज के मेंबर और कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुके थे। और इसके अलावा सरगी साहब हज कमेटी ऑफ इंडिया और दीगर कई कमेटी के मेंबर की हैसियत से अपनी यादगार खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इकबाल अहमद सरगी साहब का इंतकाल 79 साल की उम्र में 22 मई 2024 को गुलबर्गा में हुआ था। माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दुख के साथ सभा को हमारे पूर्व 3 साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री इकबाल अहमद सरदगी कर्नाटक के गुलबर्गा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सरदगी रेल संबंधी समिति, विशेषाधिकारी समिति, प्राकलन समिति और गृह कार्य संबंधी समिति के सदस्य रहे। वे कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। श्री इकबाल अहमद सरदगी का निधन 79 वर्ष में की आयु में 31 मई 2024 को कर्नाटक के कलबुर्गी में हुआ है।